एक बड़े से घर में 25 साल की अनामिका स्टडी टेबल के पास बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। पिताजी सुदर्शन खाने का प्लेट लेकर वहाँ पे आते हैं। अगर आप इतने प्यार से खाना खिलाएंगे पिताजी, तो मैं खा खा के मोटी हो जाऊंगी, फिर मुझे पलट के कोई देखेगा भी नहीं। ऐसा कही रही थी तभी जान पहचान वाली चाची शारदा और उसका 30 साल का बेटा रमेश एक बड़ा सा खाने का टिफिन डब्बा लेकर वहाँ आते हैं। अगर तुमसे कोई शादी ना भी करे तो मेरा बेटा है ना रमेश, वो तुमसे शादी कर लेगा, तुम्हें जितना मन जैसा मन खाओ। सुदर्शन शारदा और उनके बेटे रमेश को देखकर बहुत खुश होते हैं। आई आइए बहन जी, आओ दामाद जी। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है, वो चेयर से उठ के खड़ी हो जाती है। पिताजी ये आपके दामाद नहीं है, उसका नाम लेके बुलाइए। मैं यहाँ कलेक्टर के लिए पढ़ाई कर रही हूँ और वो तो अनपढ़ है, गाय भैंस देखता है, हम दोनों मैच नहीं करते, बिल्कुल अलग है। ऐसा मत कहो बेटा, उसे बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगे या तकलीफ हो, ये सच है पिताजी, मैं भी उन्हें पति जैसा नहीं सोच सकती, तो मैं कैसे उनसे शादी कर लूं? उसकी बातें सुनके रमेश बहुत दुखी हो जाता और अपना सर नीचे कर लेता है। फिर आंसू पोंछते हुए शारदा कहती है, शादी ब्याह तो सब ऊपर वाले के हाथ में है भैया। ठीक है अनामिका, तुम्हें खीर पसंद है ना, खा लेना। लाई है तो रख दीजिए आंटी, मैं बाद में खा लूंगी। इस तरह कहने पे शारदा जो टिफिन डब्बा ले आई थी वो टेबल पर रख देती है और फिर अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुदर्शन को बेटी के बर्ताव बहुत बुरा लगता है, पर वो बाहर दिखाते नहीं है। पहले तुम खाना खा लो, बाद में खीर खा लेना। आप कुछ भी कहेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी, पहले खाना खिलाइए। इस तरह कहने पे सुदर्शन अनामिका को खाना खिलाने लगते हैं। अनामिका पढ़ते पढ़ते खाने लगती है। थोड़ी देर बाद खाने का प्लेट खाली हो जाता है। अनामिका ये देखकर कहती है, ये क्या जादू है पिताजी, आप प्यार से कहते हैं ये माँ का निवाला है, पिताजी का निवाला है, खाना बहुत स्वादिष्ट है और मैं गप गप खाने लगती हूँ, पता ही नहीं चलता मैं इतना खाना कब खा ली। पेट भर गया ना, अब जब तक नींद ना आए तब तक पढ़ाई करो। इतना कहकर सुदर्शन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सुबह के करीबन 8 बज रहे थे, अनामिका अपने पिता के कमरे में आती है। उस वक्त सुदर्शन अपने बिस्तर पे सो रहे होते हैं। पिताजी सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं, अब उठिए और गर्मा गर्म मुझे नाश्ता बना दीजिए। इस तरह कहने के बावजूद सुदर्शन बिना हिले डुले उसी हालत में लेटे रहे। अनामिका को थोड़ा संदेह हुआ, पिता सुदर्शन गुजर चुके थे। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करेगी, वो बस जोर जोर से रोने लगती है। अनामिका के आंखों में आंसू थे, वो भागते हुए शारदा के घर जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। शारदा उस वक्त चूल्हे पर खाना बना रही होती है। आंटी पिताजी पिताजी, सुनते ही शारदा घबरा जाती है। बेटा रमेश, अनामिका रोते हुए इस तरह से आई है, लगता है भाई साहब को कुछ हुआ है, एक बार जाके देखो बेटा। फिर प्रसाद और रमेश घर के अंदर से बाहर निकल आते हैं। तीनों अनामिका को साथ लेके सुदर्शन के घर पे जाते हैं। तब पता चलता है सुदर्शन जी गुजर चुके हैं। ये बात वो अनामिका को बताते हैं। पिताजी, फिर वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। पूरे गांव को ये खबर मिलती है। फिर सुदर्शन के डेड बॉडी को देखने के लिए सभी लोग एक एक करके आते हैं। शारदा पूरी तरह से अनामिका को संभालती है। फिर उसी शाम अंधेरा होने से पहले सुदर्शन जी का दाह संस्कार किया जाता है। उस दिन से शारदा और उसके पूरे परिवार अनामिका का बहुत अच्छे से देखभाल करने लगे। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, अनामिका को मन में बहुत ग्लानि हो रही थी कि उसने उन लोगों को क्या कुछ नहीं कहा, साथ ही अपने पिता को भी नहीं भुला पा रही थी, इसीलिए वो बहुत रोती है। एक दिन उदास होकर पीछे के बगीचे में जाके एक बेंच पर अनामिका बैठी हुई थी। उसे देखकर शारदा प्रसाद रमेश तीनों उसके पास आते हैं। अनामिका उन्हें देखकर खड़ी हो जाती है। इस तरह तुम कब तक रोती रहोगी, तुम्हें कलेक्टर बनना है, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपना सपना सच करो। कलेक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है आंटी। पैसों के लिए चिंता मत करो बेटा, हम सब है ना। हाँ बेटा, तुम हमारी बेटी जैसी ही तो हो। ये सुनकर अनामिका का दिल पिघल जाता है। शारदा को जाके वो गले लगा लेती है। आंटी मैं आपके बेटे से शादी के लिए तैयार हूँ, उसके बाद मैं कलेक्टर की पढ़ाई करूँगी। उसकी बातें सुनके शारदा का परिवार बहुत खुश होता है। 6 महीने के बाद रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। एक दिन अनामिका सासूमा शारदा के पैर छूकर कहती है, मैं मेरी गरीब सासूमा के पैसों से कलेक्टर की पढ़ाई करूँगी, लेकिन उसका फल बहुत देर से भी मिल सकता है। देखो बहू, सिर्फ गरीब सास नहीं, तीन तीन लोग हैं। हाँ पता है माँ जी, आप पिताजी और मेरे पति।
हम कैसे भी मेहनत करके तुम्हें पैसे भेजा करेंगे। तुम कैसे भी कलेक्टर की पढ़ाई खत्म करो और गरीब सासू माँ के सामने कलेक्टर बन के आओ। फिर रमेश जाके ऑटो बुलाकर लेकर आता है। अनामिका जाकर ऑटो में बैठ जाती है। रमेश लगेज बैग ऑटो में रख देता है, फिर ऑटो वहाँ से निकल जाता है। अनामिका शहर पहुँच के हॉस्टल में रहकर IAS की तैयारी करने लगती है। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों कड़ी मेहनत करते हैं ताकि कलेक्टर के लिए पढ़ाई कर रही बहू अनामिका को पैसे भेज सके। फिर एक दिन एक डाकिया अनामिका का एक चिट्ठी लेकर आता है। देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश बहुत खुश होते हैं। अरे डाकिया, जरा पढ़ के बताओ। प्रिय सासुमा, ससुर जी, आप सभी को प्रणाम और पति को ढेर सारा प्यार। मैं यहाँ सुरक्षित और अच्छी हूँ। आपके पैसे मुझे मिल रहे हैं। कलेक्टर बनने के लिए मैं यहाँ पे जी जान लगा कर मेहनत कर रही हूँ। कैसे भी करके आपके परिश्रम और सपनों को जरूर मैं सच करूँगी। अब मैं कलेक्टर बन के ही आपके सामने आऊँगी। अब आप लोग मुझे चिट्ठी का जवाब जरूर दीजिएगा। इस तरह से पोस्टमैन जोर जोर से पढ़ता है। इसमें एड्रेस लिखा है क्या? हम जाके एक बार अनामिका से मिलाएंगे। ये सुनकर प्रसाद, रमेश बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन शहर में कलेक्टर के लिए पढ़ाई कर रही अनामिका से सभी लोग हॉस्टल मिलने के लिए जाते हैं। उन तीनों को देखकर अनामिका बेहद खुश होती है। अपने हॉस्टल के रूम में अनामिका सुदर्शन की तस्वीर के साथ साथ परिवार की तस्वीर भी लगा के रखी थी। देखकर शारदा बेहद खुश होती है। कुछ पैसे निकाल के वो अनामिका को देती है। अच्छे से पढ़ाई करो बहू। फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन गरीब सासू माँ जब चूल्हे पे खाना पका रही होती है, ढेर सारी गाड़ियाँ आकर उनके घर के सामने रुकती है। शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। फिर कार से कलेक्टर बहू अनामिका नीचे उतर आती है। तीनों अनामिका को इस तरह कलेक्टर बनते हुए देख बहुत खुश होते हैं। माँ, तुम्हारी कलेक्टर बहू आई है माँ। तब तक अनामिका आकर शारदा के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेती है। तब से अनामिका खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है और हर दिन गाँव से कलेक्टर की गाड़ी में बैठकर कलेक्टर ऑफिस जाकर काम करने लगती है। अनामिका अपनी दोस्त सरला के साथ बात करते हुए फुटपाथ से चल के जा रही होती है। फिल्म खत्म हो गई। चलो अब हम जल्दी जल्दी कॉलेज चलते हैं। होटल मैनेजमेंट के बारे में जो बताएगा वो सुन तो लेंगे। देखो, इस होटल मैनेजमेंट कोर्स में ना कुछ भी नहीं है। इससे तो ज्यादा पकवान मैं जानती हूँ। ठीक है, ऐसी बात है तो कुछ पकवानों के नाम बता दो। इमली का अचार, टमाटर की चटनी, दाल का सूप, नमकीन मछली, अभी याद नहीं आ रहा। अगर कहो तो कल आते वक्त मैं एक कागज में सब लिख कर लेकर आऊंगी। तो बताओ फिर, ये चुक्का करी कैसे बनता है? चुक्का करी क्या है? ये कोई खेल है क्या? किस खेल की तरह ये दिखता है? ये आसमान का तारा है क्या, या फिर कोई बुरी नजर? सरला गुस्से से देखने लगती है। बहुत मजाक हो गया, अब चलो कॉलेज चलते हैं। इस तरह कह के वो जाने लगते हैं। अब कोई चारा नहीं था, इसलिए अनामिका सरला के पीछे पीछे जाने लगती है। शहर के ठीक चौरास्ता के पास एक शारदा होटल नाम का होटल था। वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी। शारदा काउंटर के ऊपर मुस्कुराते हुए बैठी हुई थी। उसके पति प्रसाद सबको सप्लाई कर रहे थे और रमेश खाना पका रहा था। हे ईश्वर, आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ही हमारा होटल दिन ब दिन आसमान छूता रहे। इस तरह वो प्रार्थना करती है। तभी गोपाल और अनामिका बात करते हुए शारदा के होटल के अंदर आके बैठती है। प्रसाद उनके पास आते हैं। 3 मील ले आइएगा। हाँ, इस तरह कहने पे प्रसाद फिर वहाँ से शारदा के पास जाते हैं। शारदा, अब मुझसे सप्लाई नहीं हो रहा है, तुम एक नौकर क्यों नहीं रखती? जो हम कमाते हैं वो राशन में ही निकल जाता है। अगर नौकर रखेंगे तो बचत कहाँ से होगी? अब अच्छा हो या बुरा हो, आप ही को मेहनत करनी होगी। ऐसा कही रही थी तभी वहाँ बेटा रमेश आता है। माँ, तुम पिताजी को इतना परेशान क्यों कर रही हो? वो कह रहे हैं ना उनसे नहीं हो पा रहा है। तुम्हें और तुम्हारे पिताजी से मेहनत करवा के मुझे अच्छा लगता है क्या? अगर होटल मैनेजमेंट की हुई बहू आए तो फिर हमारे होटल के अच्छे दिन हो जाएंगे, तब जाके तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को आराम मिलेगा। इधर वो इस तरह से कह रही थी, उधर अनामिका जो होटल में आई हुई थी। अच्छा ये बताइए, जिस होटल मैनेजमेंट कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ वहाँ पर आप क्यों आए पिताजी? जब वो इस तरह कहती है शारदा सुन लेती है और खुशी खुशी उसे देखने लगती है। अरे वाह, लड़की सुंदर भी है और ऊपर से होटल मैनेजमेंट भी कर रही है, मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। फिर देर ना किए वे शारदा उन दोनों के पास जाती है। मुझे लगता है मैंने कहीं तुम्हें देखा है। इस तरह मीठी मीठी बात करके उसके बारे में पूरा विवरण ले लेती है। तब तक प्रसाद 3 मील ला के देते हैं गोपाल, कमला, अनामिका
पेट भर के खाना खाते हैं। फिर 2-3 दिनों के बाद शारदा और उसके परिवार अनामिका के घर जाते हैं अनामिका को देखने के लिए। रमेश अनामिका एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर अच्छा मुहूर्त देख के दोनों की शादी हो जाती है। अब अनामिका ससुराल में कदम रखती है। आज्ञाकारी की तरह अनामिका उस घर का सारा काम काज करती है। ये देख के शारदा खुश होकर कहती है, बहू तुमने होटल मैनेजमेंट किया है ना? हाँ माँ जी। फिर तो तुम्हें शहर के होटलों के बारे में पता होगा, उनके तरह हमें भी होटल बड़ा करना है। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। इस तरह कहकर वो होटल की चाबियाँ अनामिका को देती है। फिर अनामिका को साथ लेके वो होटल जाती है और काउंटर पे बैठ जाती है। उस दिन से ही अनामिका होटल में बहुत बदलाव ले आती है। बिना स्वाद के इमली की चटनी, बिना मसाले का सब्जी, पानी से बना हुआ पतला दाल, ये सब वो मेनू में डाल देती है। अब धीरे धीरे होटल में आने वाले कस्टमर्स की गिनती कम होने लगती है, जिस वजह से उनकी कमाई भी अब धीरे धीरे कम होने लगती है। अब शारदा को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करेगी। एक दिन सर पकड़ के वो सोफे पे बैठी होती है। सोचा था होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके बहू आएगी तो होटल में बढ़ोतरी होगी, यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। एक बार अनामिका से पूछना होगा उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है या नहीं। जब वो इस तरह सोची रही थी तभी अपने पति रमेश के साथ अनामिका वहाँ पे आती है। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ तो, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। इतना कहने पर रमेश अपने कमरे में चला जाता है। बताइए माँ जी, आप किस बारे में बात करना चाहती है? और किस बारे में कहूँ बहू, जो होटल बंद होने के कगार में है उस बारे में बात करना चाहती हूँ। अब क्या करें माँ जी, हर दिन मैंने अलग अलग रेसिपी रखा जो मुझे बहुत पसंद है, पर उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए होटल में ग्राहक आना कम हो गया है। मैं थी तो सब बढ़िया था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैंने तो बहुत अच्छे से कोशिश की माँ जी। एक बात बताओ, तुमने होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरी तरह से किया कि नहीं? इस तरह से पूछने पे अनामिका बिना कुछ कहे हुए अपना सर झुका के खड़ी रहती है। इसी के साथ शारदा अपने छाती पे हाथ रखती है और गिर जाती है। जल्दी से वो शारदा को अस्पताल में एडमिट करते हैं। प्रसाद शारदा के पास ही रुकते हैं। मेरी वजह से सासू माँ के दिल में इतना दर्द है, उनके मन में खुशी नहीं है। कैसे भी करके मुझे इस होटल को आगे बढ़ा के ले जाना है, पर कैसे? जब वो सोच ही रही थी तभी अनामिका को याद आता है एक बार वो अपनी सहेली सरला के साथ टूर पे गई थी और केले के पत्ते में बिरयानी खाई थी। फिर ज्यादा देर ना करते हुए वो जल्दी जल्दी अस्पताल से होटल चली जाती है। वहाँ शारदा होटल का नाम बदल के शारदा बनाना लीफ बिरयानी कर देती है। फिर जरूरतमंद पत्ते ले आती है और फिर अनामिका केले पत्ते में बिरयानी बनाने लगती है। फिर एक दिन वो माइक लेके होटल के सामने खड़ी होकर जोर जोर से कहने लगती है, आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म बनाना लीफ बिरयानी रेडी है। अगर आप 2 बिरयानी ऑर्डर करते हैं और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे के बिल में कोई पैसे नहीं लगेंगे, और अगर वो घर पे है तो उनके लिए हम छोटी बिरयानी मुफ्त में देंगे। आइए बाबू आइए, इस तरह से वो कहती है। अब चूंकि दुकान बिल्कुल सेंटर पे था, लोग वहाँ घूम रहे थे, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने बोर्ड देखा, फिर उसके होटल में बनाना लीफ बिरयानी खाने के लिए कुछ लोग वहाँ आने लगे। अब बनाना लीफ बिरयानी की वजह से उसके होटल में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है, इतनी भीड़ कि अब रमेश सप्लाई दे नहीं पाता है। फिर एक दिन अस्पताल से शारदा को लेकर सीधा प्रसाद होटल में आते हैं। होटल के परिवेश में परिवर्तन देखकर, नाम में परिवर्तन देखकर, भीड़ भाड़ देखकर शारदा मन ही मन बहुत खुश होती है। खाना खाकर अच्छा लगा ग्राहकों के मुंह से सुन के शारदा बहुत खुश होती है। ये सब देखकर शारदा अपनी बहू की बहुत प्रशंसा करती है। फिर शारदा जाके काउंटर संभालती है, अनामिका किचन और रमेश प्रसाद दोनों सप्लाई में लग जाते हैं, और इस तरह अनामिका का ये बनाना लीफ बिरयानी की परिकल्पना बहुत हिट हो जाती है, और तब से शारदा भी अपनी बहू का बहुत प्यार और जतन करने लगती है।